सेल सेल सेल। ये सेल कोई हमारे यहां नहीं है, ये सेल लगी है पाकिस्तान की। पैसे है नहीं लेकिन धंधा तो कर रहा है ना, नौकरी चाकरी करने वालों को पैसे देने हैं, नेताओं के ऐशो आराम के खर्चे उठाने हैं, सरकार चलाने के अलावा भी पाकिस्तान के जिम्मे कई और काम है जिसमें सबसे बड़ा जिम्मेदारी है आतंक को फंड करने का। ऐसे में उसे हमेशा ही पैसों की जरूरत होती है। अब खराब खस्ताहाल पाकिस्तान अपने प्रॉपर्टी बेच रहा है, अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के पुराने दूतावास को बेचने के लिए उसके फॉरेन ऑफिस ने मंजूरी दी, जिसके बाद तीन तरह के लोग सामने आए हैं इसे खरीदने के लिए। इसमें एक यहूदी, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी कंपनी शामिल है। डॉन ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान डिप्लोमेटिक सूत्रों का हवाला देते हुए लिखा है कि एक यहूदी ग्रुप की तरफ से पाकिस्तानी बिल्डिंग को खरीदने के लिए $68 लाख की बोली लगाई गई, जो अब तक की सबसे ऊंची बोली है। ये यहूदी कंपनी पाकिस्तानी बिल्डिंग में एक सिनेगॉग बनाना चाहता है। सिनेगॉग यहूदियों के लिए पूजा स्थल को कहते हैं, यानी पाकिस्तानी बिल्डिंग में यहूदी ग्रुप एक मंदिर बनाना चाहता है और इसलिए उसने ये बोली लगाई। डॉन के पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दूसरी बोली एक भारतीय प्रॉपर्टी कंपनी ने लगाई है, जिससे $50 लाख की बोली लगाई है। वहीं तीसरी बोली एक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी कंपनी की तरफ से लगाई गई है, जो $40 लाख की है। यानी अब तक जो तीन बोली लगाई गई है उसमें पहली बोली यहूदियों की, दूसरी बोली भारतीय प्रॉपर्टी कंपनी और तीसरी बोली पाकिस्तानी प्रॉपर्टी कंपनी की है। पाकिस्तान का ये दूतावास वॉशिंगटन के बेहद पॉश इलाके में है और इसकी कुल कीमत $50 से $60 लाख है। पाकिस्तान ने अपनी खस्ता माली हालत को देखते हुए इसे बेचने का फैसला किया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते कुछ समय से बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। देश में महंगाई ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले तो उसका कंगाल होना तय है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी बिल्डिंग क्या एक यहूदी कंपनी के हाथों बेचता है, क्या वो एक भारतीय कंपनी के हाथों बेचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।